हाँ भैया, तो सौम्यान अहमद, आईपीएल की शुरुआत कैसी कैसी लग रही है? सौम्य, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू। हाँ, आईपीएल ऑब्वियसली इंडिया का मेगा इवेंट है। वर्ल्ड कप वगैरह तो होते रहते हैं, आईपीएल जरूरी है। उसमें मतलब माहौल बनता है। वर्ल्ड कप को तो ज्यादा याद नहीं कर सकते, बट ठीक है। तो वर्ल्ड आईपीएल की स्टार्ट हुई अपना चेन्नई के टेप ऑफ में, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिसीजन वॉज कि धोनी ने कैप्टनशिप छोड़ दी एंड ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बना दिया गया, एंड वो भी सिर्फ एक दिन पहले, ट्रेडमार्क धोनी की स्टाइल में कि बिना कोई शोरगुल बिना कुछ बोले ऑल्दो एकदम ऑल्दो ऑन फील्ड मस्त। ऑन फील्ड कैप्टन तो धोनी था इधर। वो तो रहेगा हाँ जब अरे ऋतुराज कैप्टन है ना, तू उधर मैदान पे खड़े रहते। तो वही चल रहा था। बाकी धोनी का वही ट्रेडमार्क स्टाइल थी कि बिना कुछ बताए, जैसे संन्यास भी लिया था कि इंस्टा की पोस्ट पे संन्यास ले लिया था उन्होंने 15 अगस्त को, तो सेम चीज थी आईपीएल में भी कि बिना बताए उन्होंने मतलब ऐसे एक पहले हिंट दिया था ट्विटर पे कि आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई न्यू रोल ऐसा कुछ करके, बट फिर एकदम से ये नहीं पता था किसको कि कैप्टनसी छोड़ देंगे। बट फ्यूचर देखा उन्होंने, क्योंकि जडेजा को कैप्टनसी दी थी, बट क्या हाल हुआ था सीएसके का सब जानते हैं। उससे बेहतर अब सोचा कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट थे, तो एकदम कैप्टनसी दे दी गई। शॉकिंग डिसीजन था बट सही था, क्योंकि मे भी ये आखिरी साल हो। इस पे एक मीम भी आया था कि फाफ डु प्लेसी कह रहा है धोनी को कि लास्ट डांस, धोनी बोलता है क्यों संन्यास ले आया क्या अगले साल हाँ तू। बट देखते हैं क्या होता है इस बार, इंटरेस्टिंग है। तो मतलब 3 मैच ही हो गए और इतने बढ़िया मैच हुए आईपीएल के। मतलब कल का मैच अगर आपने देखा, हैदराबाद और केकेआर का, मतलब 3 ओवर में 60 रन बनाने थे और उस स्टेट से आके आप 5 बॉल में 7 रन नहीं बना पाए। बट ठीक है, ये आईपीएल में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्लासन की इनिंग्स को भी आपको मतलब तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ जो नोटिस की गई है इसमें, कुछ कुछ प्लेयर्स जिनका आपने सोचा नहीं था कि परफॉर्मेंस देंगे, वो ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आज तक थे। अब मुस्तफिजुर रहमान जैसे सब सोचे थे कितना घटिया बॉलर है और क्यों लिया है, धोनी प्लेयर्स को चेंज कर देता है एक तरीके से। रहाणे जो 120 130 वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर हैं, लास्ट उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से खेला और इस बार मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट लिए पहले मैच में। फिर उसके बाद सब लोग जो डीके को डाउट कर रहे थे कि कैसा खेलेंगे, डीके और अनुज रावत ने ही आरसीबी की इनिंग को बचाया था। तो ये एक चीज़ है। और हर्षित राणा का कल लास्ट ओवर, स्टार स्टार के ओवर में 4 छक्के आए बट हर्षित राणा ने 13 रन डिफेंड कर लिए। तो यही आईपीएल की ब्यूटी है, ये बताता है कि टैलेंट इतना है इंडियन उसमें और नो प्रेशर में बड़े से बड़े प्लेयर छोटे छोटे प्लेयर परफॉर्म करके आपको दे सकते। राइट, बिल्कुल सही बात हाँ बोली इस मामले में। आईपीएल सही में इट्स लाइक अ कैटलिस्ट ना, कि जिनका करियर नहीं चल रहा होता है उनका करियर एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स बीसीसीआई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब से जितने टैलेंट पूल को जज किया जाएगा वो उनके आईपीएल परफॉर्मेंस पे ही होने वाला है। जिसका मतलब जो लोग आईपीएल नहीं एक्सेप्ट खेल रहे हैं एक्सेप्ट 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 पृथ्वी शॉ घूमता चली नहीं रहा, किया मैंने तेरी कल स्टोरी, हाँ मैंने तेरी स्टोरी देखी थी वो पृथ्वी शॉ वाली कमबैक करना था टीम में ही नहीं लिया।